नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशलिटी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि अब टेररिस्ट के बाद भिखारी मुल्क के नाम से भी जाने जाने लगा है और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि हर देश से भीख मांग चुका है और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान दिन पे दिन रिकॉर्ड ही बना रहा है। और जैसे कि आपने जानते हैं क्वाईसी की जो मीटिंग अफगानिस्तान के नाम पर हुई थी उसमें भी इमरान खान ने जो भीख है वो मांगना चालू कर दिया था और ये अफगानिस्तान के नाम पर पाकिस्तान के लिए भीख मांगे जा रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि इससे कहीं ना कहीं उस देश की फॉरेन पॉलिसी भी खराब होती है क्योंकि जो भी देश आपको पैसा देता है वो आपको दबाव में रखता है और इसका लाइव एग्जांपल आप पाकिस्तान पर बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से सऊदी अरब, जिस तरीके से अमेरिका, चाइना, रूस, मतलब जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं जिस तरीके से पैसे देकर पाकिस्तान पर दबाव डालते रहे और अपनी बात मनवाते रहे उसे देख के तो यही लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अब पैसों के आगे झुक चुका है। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान के पास अब अपने ही घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। अब पाकिस्तानी आवाम को तो छोड़े, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है जो कि इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर कोई उसे देखता है वो बगावत उतर चुकी है और इससे ज़्यादा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती और क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान जो है हर जगह से बेइज्जती भी झेल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिकों पर बात हो रही है। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को भी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल एचडी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ा हंगामा यहाँ पर एक हो रहा है और ये लोकल बॉडी इलेक्शंस में बड़े बुरी तरह से हारे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ साथ एक ओआईसी की यहाँ पे जो मीटिंग थी उसको भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसमें भी कोई खास कामयाबी नहीं मिली है पाकिस्तान को। आप इन दोनों चीजों को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये गैर जमहूरी रवैया जो हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी खास सा पीटीआई की, इसके बारे में थोड़ा सा टच करना चाहूंगा। सबसे पहले इन्होंने ज्यादती की खुद की जब इनको रिटर्न नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन का कि आप केपीके में आके अपने हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ना करें, ये खिलाफ वर्जी थी इलेक्शन कोड की। और हमारे जो रियासत मदीना के ठेकेदार हैं उन्होंने जाके वहां पे उस पर पहले दुखला वर्जी इन्होंने ये की। मैं आपकी तवज्जो, ज्यादातर लोगों ने इस चीज को कवर नहीं किया, एक चीज और टॉपिक जो बड़ा खतरनाक ट्रेंड था उसकी तरफ आपकी तवज्जो कराना चाहूंगा कि इन ये चाहते नहीं थे कि वहां इलेक्शन हो क्योंकि इनको पता था, इनको एजेंसियों ने बता रखा था कि आप बड़े बुरे तरीके से हारेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये कोर्ट के जरिए डिले करा रहे थे और उसके बाद इन्होंने ये किया। दूसरा स्टेप इन्होंने गैर जमहूरी ये किया, इन्होंने कहा कि हम गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराएंगे और उस पर जाके मौलवी सिराजुल हक साहब ने कोर्ट से जाके आर्डर लेके तो इन्होंने इलेक्शन कराए। दूसरा उसमें यह था कि इन्होंने जो हल्के वहां पे अनाउंस किए अपनी मर्जी के पीटीआई वालों ने, ये समझते थे कि ये हमारे फेवरेट डिस्ट्रिक्ट हैं और यहां से हम जीतेंगे। यहां वो समझते थे कि हम स्ट्रांग हैं, पिशावर, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, ये समझते थे कि दिस इज आर बेस और यहां से हम इलेक्शन जीतेंगे। और उस पर जाके इन्होंने इलेक्शन हुआ और वहां से जिस तरीके से जो सबसे ज्यादा मुझे कंसर्न ये है कि धांधली की एक हिस्ट्री बनाई गई है कि एक तो होता है इलेक्शन कमीशन, आपके डस्का में तो आपका अमला अगवा हुआ था, यहां पे अमले की जो सिक्योरिटी थी वो भी अगवा हो गई और उसके बाद ये कि एक दो कैंडिडेट मर्डर हुए हैं वहां पे और सबसे बड़ी सितम जरीफी ये कि रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया और किसी के माथे में बल भी नहीं। मेरा मकसद होता है ना कि कोई ये कहे कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। उसके बाद ये है कि हमारे एक जो आपके मिनिस्टर थे बल्दियात के, वहां पे सारे मिनिस्टरों ने लाइन ले जाके वहां पे कंपेन की गई और गलत तरक्याती जो आपके प्रोजेक्ट थे, मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आईएमएफ की कंडीशन थी कि आपके तरक्याती कामों को उस बिल को उन पैसों को रोक दिया जाए, लेकिन ये करते रहे वहां पे जाके, इसके बावजूद वहां से ये हारे इलेक्शन। और ये अभी आप ये अंदाजा लगाएं, ये वो जगह है जहां इनकी बेस थी, जहां से स्ट्रॉन्ग थे, 8 साल से रूल कर रहे थे। अगर अब हजारा की बारी आएगी, जब पंजाब की बारी आएगी तो वहां जरा अंदाजा लगाएं कि इनके हालात क्या होंगे। वहां मुझे वो मरियम बीबी की बात याद आती है कि एक तो इनका टिकट कौन ही लेता, जो टिकट ले उसको साथ हेलमेट की जरूरत पड़ेगी, अपने हल्कों में जाएंगे अपनी कैंपेन हेलमेट पहन के। और जो एक खास एक और बात इस इलेक्शन में मैंने देखी है कि इनके कैंडिडेट्स ने पीटीआई के टिकट छोड़ के आजाद इलेक्शन लड़ा है और तब जीते जाके।
अच्छा, इसमें जो एक मेरा सबसे ज्यादा, मैं एज एन पाकिस्तानी अमेरिकन, मेरा जो कंसर्न है कि JUI आई है, अब यहां पे JUI, ये समझना पड़ेगा आपको कि JUI क्या है। ये TLP की सिस्टर है, सही, ये आपको 50 साल 100 साल पीछे ले जाएगी। ये सर बड़े अफसोस की बात है कैसे कि ये जीत, ये मदरसों, इन्होंने पहले अपनी आर्मी बना रखी है, आपको पता मलेशिया बन चुकी है, बनी इनके डंडा बरदार जो इनके अपने वो खाकी यूनिफॉर्म पहन के इन्होंने जो बच्चों को सड़कों पे ले आते हैं मदरसों के जी, ये वो पार्टी है, ये जो तालिबानी जहन के मालिक है ये लोग, और ये यहां पे आएंगे और TLP को एक और तकवीयत मिलेगी। और मैं TLP के हवाले से बताऊं, जो साहिबाल में जमीनी इलेक्शन हुआ है, TLP चौथे नंबर पे थी वहां पे। तो सर कराची में भी हुए थे इलेक्शन, उसमें भी तीसरे नंबर पर थी उस जमाने में, तो इनके ऊपर डंडे जूते चल रहे थे। जब मैं आपको कहता हूं, आपके पाकिस्तान के जो फैसला करने वाले हैं, उन्होंने फैसला ना लिया किया, और अफगानिस्तान में और अब में 19-20 का फर्क रह चुका है। अल्लाह ना करे कि आप उस जगह पे चली जाए, आप चले जाए, मुझे बहुत ज्यादा तशवीश है। JUI का इलेक्शन जीतना ऐसे ही है जिस तरह TLP जीत गई है, जिस तरह तालिबान जीत गया इलेक्शन, ये उसी के मुतरादफ है ये बिल्कुल। लेकिन ये कि इस पे किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई किसी के माथे में बल नहीं है। और जो मैं एक और एक जो गलत स्टेटमेंट हमारे खान साहब ने दी है, उन्होंने कहा है कि गलत लोगों को टिकट दिए गए थे। भाई टिकट गलत दिए गए थे तो आपकी पार्टी ने दिए थे ना, उन्होंने जाके दुकान से तो नहीं खरीदे थे टिकट। और जो उसके बाद एक और आरजू, आई एम सॉरी, मैं जो इस पे एक और जो खान साहब का मजे का जो उनका स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ के जाके तो बलदियाती इलेक्शन अगले खुद लड़ूंगा। भाई तो मुल्क कौन चलाएगा जब आप बलदियाती इलेक्शन करेंगे, तो मुल्क कौन चलाएगा भाई? या तो आप रिजाइन करके जाएं, तो आप बलदियाती इलेक्शन जाके खुद लड़े। खान साहब की स्टेटमेंट देखें आप, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन गलत लोगों को दिए गए टिकट, और अगले इलेक्शन में खुद उसकी निगरानी करूंगा। तो मुल्क कौन चलाएगा? फॉरेन पॉलिसी कौन चलाएगा? इकोनॉमिक पॉलिसी कौन चलाएगा अगर आपने बलदियाती इलेक्शन लड़ने? तो सर अभी भी तो कोई और ही चला रहा है ना, अभी भी ये तो नहीं चला रहे। दूसरा सर, जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, चले इत्तेफाक से उधर जीत भी गई है, लेकिन लोग इतना सपोर्ट, फिर भी मेरा ख्याल है कि बन नहीं पाएंगे। इतने सालों में कभी कुछ नहीं बन पाए, तो अब क्या बनेंगे? लेकिन साथ साथ सर, इन्होंने जो टिकट ये कह रहे हैं कि गलती से मिल गए लोगों को, तो ये बच्चे तो नहीं है स्कूल के, इनको नहीं पता है किसको दे रहे हैं? पेशावर से इम्पोर्ट किया इन्होंने, जो पेशावर में देखे, जो दुबई से इम्पोर्ट किया इन्होंने मेयर का इलेक्शन के लिए, ये बच्चे सिर्फ ATM मशीन, उस बंदे की सिर्फ एक एबिलिटी है कि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, और वो PTI के फंड देगा, इनको पैसा देगा। मेरे भाई ये बच्चे थोड़ी हैं, इनको सारा पता है ओवरसीज पाकिस्तानी की, इनको बैंक स्टेटमेंट्स पहुंच जाती है, इनको पता चल जाता है ओवरसीज पाकिस्तानी किसके पास ज्यादा पैसे, किसको ज्यादा मिल्क कर सकते हैं, और उसको घेर लेते हैं, उसको सेनेटर बना देंगे, उसको पिशावर का मेयर की देखें स्टोरी, वो कहां से आया? दुबई से इंपोर्ट किया। खान साहब कहते हैं गलत लोगों को इलेक्शन टिकट दिए, टिकट आपने बड़े सोच के दिए, टिकट आपने आपने बड़ी शातर होकर आपने बड़ी आपने चलाकी दिखा के टिकट दिए, फिर भी आप हारे, ऊपर के चले टिकट गलत लोगों को दिए। खान साहब ये आपकी बेस थी भाई, ये 8 साल से आप यहाँ रूल कर रहे हैं, ये आपकी बेस थी जहां से आप स्लिप हुए। अगर आप दूसरे मुल्क में जाएंगे तो आपके कैंडिडेट्स को वाकई हेलमेट पहनने पड़ेंगे, पहले तो टिकट ही कौन ही लेगा, टिकट देंगे तो हेलमेट देंगे साथ आप। लेकिन उसमें खैर इसको छोड़े, अगर ये जीत हार से क्या होता है, पहले भी आपकी हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, दुनिया सबको पता है, यहाँ पे CNN पहले भी कह चुका है, आज से कुछ महीने पहले आपके मैंने सेगमेंट में कहा था कि CNN में यहाँ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने कहा था कि खान साहब इज नॉट मोर देन अ मेयर ऑफ इस्लामाबाद, बिल्कुल पता, लेकिन ये सबको पता है, सबको पता। लेकिन उसमें अब देखे, अब हालात जो हो चुके हैं, आप देखें, आप दूसरे टॉपिक पे जिस तरह OIC, मुझे OIC से ज्यादा जो एक और चीज का ज्यादा सदमा और दुख है, वो टर्की का ड्रोन देना इंडिया को, और ये, और फिर अतैयब अर्दगान का टोटल ड्रामा, मुस्लिम उम्मा का सारा, और कश्मीर के बारे में दर्द रखना, लेकिन ड्रोन दे दिए, और 100 ड्रोन। तो सर जाहिर है जो दुनिया की कंट्रीज होती है वो बिजनेस पे चलती है, रिश्तेदारियां थोड़ी होती है, जो हम कहते हैं जी सऊदी हमारे भाई हैं, तो चाइना हमारा दोस्त है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज और आपको मैं कहती चलूं कि वो जरदारी साहब का भी एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इनको हटाओ पहले, फिर हमारे साथ बात करो।